खटीमा में पुलिस ने मामूली विवाद को लेकर पत्रकार के साथ गुंडागर्दी की। पत्रकार को थाने में बंद कर रात भर प्रताड़ित किया गया। खबर उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा से, जहां पत्रकार को पुलिस द्वारा जबरन उठाकर कोतवाली में बंद कर दिया गया। 151 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर रात भर प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए पत्रकार की स्कूटी को मंगवाकर सीज कर दिया। बता दें कि विवाद करने वाले दोनों पक्षों ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं था, मामूली सा विवाद था और पुलिस द्वारा जबरन इस मामले को तूल देते हुए हमें यहां पर बंद किया गया है। वहीं आज पत्रकार परिषद के कुमाऊं प्रभारी अशोक गुलाटी खटीमा पहुंचे हैं। उनके द्वारा 3 दिन का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया गया। ये अब तक के तरह के इतिहास में शर्मनाक घटना है। ये जा रहे थे वहां पर, तो इन्होंने रोका, इन्होंने पूछा कि भाई क्या उन्होंने आपस में बच्चों में जो है झगड़ा था। उस इनके जो अशोक जो दीपक यादव जी हैं, इनको बिना कुछ ये बोलते तत्काल इनके तड़ातर जो है एक अपराधी की तरह एक जो है थप्पड़ जड़ना चालू कर दिए और इसके बेटे को और गाड़ी में जो है ऐसे घसीट के डाला जैसे कि बहुत बड़े क्रिमिनल को जो है अपराधी को डालने। उसके बाद ये कोतवाली में लाए गए। कोतवाली में लाने के बाद और इंस्पेक्टर वो उसके उनकी मौजूदगी में जम के इनकी पिटाई की गई और देर रात 1 या 2 बजे जो है मेडिकल जो है आनंद फनन में कराया गया। जो हमारे इकाई के अशोक सरकार जी हैं, अन्य पत्रकार साथी पहुँचे, किसी को मिलने नहीं दिया गया। जैसे कि बहुत बड़ा जो है कि इन्होंने अपराधी जो है पकड़ के ले आओ, उससे मिल नहीं सकते हैं। और इतना ही मारा है कि देखिए ये जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये दीपक यादव जी ने मेडिकल कराया है और अभी इनको इतनी ज़बरदस्त चोटें लाई हुई हैं और इतना ज़बरदस्त मारा, जबकि पुलिस अधिकारियों को भी का कहना है, अनऑफिशियली कह रहे हैं कि साहब ये जो चौकी इंचार्ज है, हालांकि इसका पिथौरागढ़ में बताया जाता है कि ट्रांसफर हो गया था, उसके बाद भी यहाँ पर कर रहा है और बरसों से ये गुंडागर्दी जब से यहाँ इसने किया है पूरा इसने माहौल जो है पूरा खराब कर रखा है। और इससे जो पत्रकार जगत के ऊपर जो चौथा मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, ये तो कोई मामला ही नहीं है कि बड़े से बड़े मामले में वो बिना जांच के कोई भी पत्रकार को आप जेल के आप जो है आप थाने के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं, आप जांच करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।